17 साला अब्दुल सत्तार भी इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। अब्दुल सत्तार यहाँ पर क्यों आया है? हाँ भाई अब्दुल सत्तार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हो जी? अच्छा, कितने बहन भाई हो? मैं 5 बहन भाई हूँ। तुम बड़े हो सबसे, सबसे छोटे हो? मेरे से एक बहन बड़ी है, एक भाई बड़ा है। अच्छा, और यहाँ जेल में कितने अर्से से रह रहे हो? 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए, क्या किया था? किया नहीं था, पिस्टल और डकैती मेरे ऊपर डाली है पुलिस वालों ने। अच्छा, और वैसे कराची में तुम कहाँ रहते हो, कौन से इलाके में? पुलिस थाने जौहर में। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब नहीं है। नहीं है जी, सिर्फ वालदा है जी। अच्छा, तो किस जगह पर डाली तुम्हारे पर डकैती? और ये अजीज भट्टी थाने वालों ने पकड़ा था, मैं दोस्तों के साथ बैठता था। हाँ। नशा करता था उनके साथ बैठ के ना, तो उन लोगों को उठाया, उनके साथ मुझे भी उठाया, तो उन्होंने मेरे ऊपर भी उनके साथ साथ डाल दिया। नशा कौन सा करते हो? मैं हीरोइन का करता था। हीरोइन का? इतनी सी उम्र में? दोस्तों यारों के साथ लग गया था मैं। तो अब यहाँ पर तुम जेल में हो, तो तुम्हें यहाँ नशे की तलब नहीं होती? होती थी, लेकिन अब खत्म हो गई। 20 दिन में खत्म हो गई? इतना टाइम नहीं हुआ था मुझे, कम हुआ था। अच्छा, कम हुआ था। तो फिर जो ये डकैती वगैरह किसने की थी? वो दोस्त यार करते थे, मैं उनके साथ बैठता था, तो उनको उठाया, उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन कौन होता है, कौन कौन बैठता है, तो उन्होंने बोला तुम साथ घूमते थे, सब कुछ करते थे, तुम्हारे ऊपर भी डाला। पैसे मांगे घर वालों से, उन्होंने दिए नहीं। उन्होंने कौन से थाने में? अजीज भट्टी, अजीज भट्टी थाने। अच्छा, तो अभी तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, अंडर ट्रायल है, तो कोई मिलने आया यहाँ पर वालदा वगैरह? वाले आते हैं। कितनी दफा आई है वो? 6-7 मरतब आ चुके। 20 दिन में जी। पढ़ते हो यहाँ पर? जी, पढ़ते हो यहाँ पर? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं मॉर्निंग लेवल 2 में पढ़ता हूँ। और घर की याद आती है? बहुत। और सबसे ज़्यादा घर में कौन याद आता है? अम्मी। अम्मी याद आती हैं? अम्मी आती है तो रोती तो नहीं है? रोती हैं। रोती हैं? तुम क्यों रो रहे हो? बेराहरवी और बुरी सोहबत, लड़कपन और नौजवानी में ज्यादा तेजी से असरअंदाज होती है। ये नौउम्री बुराइयों को जिस आसानी से कबूल करती है, अगर बरवक रोकथाम ना की जाए तो फिर इनसे निजात जिंदगी भर मुमकिन नहीं। ये बुरी सोहबत ही इस नौजवान को आजाद फिजाओं से जेल के कैद खाने तक ले आई। अब इसकी आंखों से आंसू की सूरत में बहना, इसकी गलती का एतराफ शायद इसकी जिंदगी संवार दे।